शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से प्लीज सिट डाउन। मिसेस त्रिपाठी, वैसे अदालत ने अपना फैसला सोच लिया है, लेकिन ये अदालत आपको आखिरी मौका देना चाहती है। प्लीज आप जो भी कुछ कहना चाहती हैं कहिए। इस केस की जीत तुम्हें मुबारक हो पायल। योर ऑनर, मुझे मंजूर है अगर आप इस केस का फैसला पायल के हित में सुनाते हैं। मुझे ये भी मंजूर है अगर सानवी खुद पायल के पास रहना चाहती है। अगर पायल मेरे इन दो सवालों का जवाब दे दे तो, पहला, इन छह सालों में पायल की कमाई का जरिया क्या है, इनके पास पैसे कहां से आते हैं, और दूसरा, मेरी बच्ची की देखरेख के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए क्या इनके पास कोई नौकरी है क्या नहीं? जज साहब, बस हमारी नौकरी लगने ही वाली है। श्योर ऑनर, इससे तो यही साबित होता है ना कि इनके पास कोई नौकरी है ही नहीं। ये मेरे बच्चे की स्कूल की फीस, उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, उसकी देख रेख, उसका भविष्य, ये सब कैसे देखेंगी? सानवी की माँ हम हैं, कुछ ना कुछ हम करके अपनी बेटी का ख्याल रख लेंगे। माँ तो मैं भी हूँ पायल, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम पैसे मुझसे ले लो। मैंने सानवी के भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़े थे, तो वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी उसके भविष्य के लिए। और इस बात से मेरे परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे सानवी के लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। चौनर, मैं आपके सामने यही बात साबित करना चाह रही थी, पायल आज भी दूसरों के पैसों पर जीती है, उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ही पैसों पर है। ऐसी औरत मेरी बच्ची की देखरेख कैसे कर पाएगी, उसे एक सुरक्षित भविष्य कैसे दे पाएगी, इस बात की तो कोई गारंटी ही नहीं है ना। योर ऑनर, पायल ने तो हमारे परिवार का चरित्र कोर्ट के सामने पेश कर दिया, लेकिन अब बारी है पायल के चरित्र के बारे में इस कोर्ट को बताने की। इस फाइल में इसके छह सालों के करतूतों के सारे रिकॉर्ड हैं, और ये मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। ये क्या बदतमीजी आपके क्लाइंट की, रोकिए इन्हें। जज साहब, हम इसे मार नहीं रहे थे, हम बस इसे डरा रहे थे। ये औरत हमारे खिलाफ झूठा सबूत दिखाने वाली थी आपको। मुझे माफ कर दीजिएगा योर ऑनर, मैंने कोर्ट के सामने खाली फाइल पेश की, लेकिन पायल के इस झूठे आंसू का पर्दाफाश करना जरूरी था और इसीलिए मैंने ये सब किया। योर ऑनर, ये एक फैमिली कोर्ट है और इस केस के बारे में हमसे बेहतर आप जानते हैं, और कौन से परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन एक परिवार का असली चरित्र उनके बुरे वक्त में सामने आता है, जैसे मेरे परिवार का चरित्र सामने आया जब मेरी जान पर बात बनाई,
और वो सब के सब मेरे लिए खड़े थे, लेकिन योर ऑनर, इस औरत को तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों का पैसा दिखता है, ये मेरी बच्चे की देखरेख ठीक से कैसे कर पाएगी? दोनों तरफ की बातों को सुनने के बाद और समझने के बाद अब यह अदालत अपना फैसला सुनाती है। मिस पायल 6 साल की सानवी त्रिपाठी की सरोगेट मां है, लेकिन अभी इस कंडीशन में नहीं है जो इस बच्ची को बेहतर ढंग से परवरिश दे पाए या उसका पालन पोषण कर पाए। इसीलिए यह अदालत मिसेस श्रद्धा त्रिपाठी को और मिस्टर अभय त्रिपाठी को इसकी सारी जिम्मेदारी सौंपती है पहले की तरह, और कानूनी तौर पर ये लोग इसके माँ बाप भी हैं। मिस पायल, यह अदालत है, यहाँ ज्यादा चीखने चिल्लाने से सीधे आप जेल जाओगी। और एक बात और मिस पायल, ये आपको पहली और आखिरी चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ अदालत इतनी नरम दिली के साथ नहीं पेश आएगी, अंडरस्टैंड? और हाँ, इसी के साथ साथ इस केस की कार्रवाई समाप्त की जाती है, कोर्ट इज डिसमिस। बेटा, देखा आपने ना, इन लोगों ने कैसे हमें झूठा साबित कर ही दिया। हम ऐसे नहीं है, इन लोगों ने हमें मजबूर किया है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें भुलाइएगा मत। हम तो आपके पास नहीं आ सकते ना, आप तो आ सकती हैं। हाँ मम्मा, हमें विश्वास है कि आप अपनी असली माँ के पास जरूर आएंगी, नहीं तो हम मर जाएंगे सानवी। मेरे दोनों बच्चों से दूर रहना, वरना इस बार ना तुम्हें जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा मैं। कस्टडी तो जीत गई तुम, पर सानवी हमेशा हमें ही अपनी मां मानेगी, जिंदगी भर उसकी नफरत झेलोगी तुम। ती बेशरम औरत है, कुछ भी कर लो ये कभी नहीं बदलेगी। इससे तो अच्छा होता कि जज साहब उसे जेल की सजा सुना देते। अरे असली सजा तो इस सानवी के साथ घर आएगी, देखिएगा रोज नया तमाशा करने वाली है ये लड़की। श्रद्धा बेटा, आज माता रानी की कृपा से तुम्हारी मेहनत की जीत हुई है। ये सिर्फ श्रद्धा के मेहनत की ही नहीं, उसके विश्वास, उसके ममता की भी जीत है। माता रानी की ही कृपा है जो इतने सालों की बला आखिर टल ही गई। बिल्कुल सही कहा ताई जी आपने, अब हमारे घर की तरफ कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। मम्मा एक सेकेंड नीचे झुको। आप वर्ल्ड की ना सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग मामा हो। मैंने आप सबके लिए ना कुछ बनाया है, मैं अभी लाती हूँ। क्या हुआ, कौन है? वो मेनका का है, हम बात करके आते हैं।
हेलो, आपने फोन कैसे किया राज जी? वो उस दिन हमारी बातें अधूरी रह गई थी, फिर आपने फोन भी नहीं किया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं फोन कर लेता हूँ। तो कैसे हैं आप? हम ठीक है, वो घर पे थोड़ा काम आ गया था तो। काम तो चलता रहता है कीर्ति। खैर, अगर आप थोड़े फ्री हैं तो हम मिल सकते हैं? देखिए, बुरा मत मानिएगा, आपसे बस कुछ जरूरी बातें करनी थी। पिछले बार जिस तरह से वरुण जी ने पार्टी में राज जी के साथ बर्ताव किया था, उसके बाद तो हमने इनसे माफी भी नहीं मांगी। मिलके ही बात कर लेती हूँ। ठीक है, कहाँ मिलना है? हाँ ठीक है। वरुण जी को बता के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, वरना वो फिर से कोई नया बवाल खड़ा कर देंगे। ये जो जीत हुई है, ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, आप सबके साथ के बिना ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता। अरे जीत की ज्यादा खुशियां ना ही मनाई जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वो पायल इस घर से चली गई है, पर उसका खून अभी भी यहाँ है हमारी खुशियों में दाग लगाने के लिए। तनुजा जी, कम से कम आज तो खुशियां मनाने दीजिए। सुंदर है बेटा। मेरी फैमिली पिक्चर खराब कर दी तुमने, मैंने इतनी प्यार से बनाई थी। ये मेरी फैमिली नहीं है, तुम्हारी फैमिली है। सानवी, आपने अपना गुस्सा इस पे क्यों निकाला? आप जानते हो सिया आपसे कितना प्यार करती है, वो हमेशा आपके लिए। नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार, मुझे बस मेरी मम्मा चाहिए थी। आप मुझे मेरी मम्मा क्यों नहीं देती? बस बहुत बदतमीजी कर ली आपने, श्रद्धा ही आपकी मम्मा है। नहीं, मेरी सिर्फ एक ही मम्मा है, पायल मम्मा। और इन्होंने मुझे उनसे फिर से छीन लिया। सानवी, अब आप श्रद्धा की तरह अपनी आवाज ऊंची नहीं करेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, आपको नहीं पता इन्होंने झूठ बोलकर केस जीता है? आप मुझे क्यों डांट रहे हो? अपनी मम्मा को डांटो ना। जब वो मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने वाली थी, आप तो अभी भी डांटते ना, जब वो मुझे बलूस बोलती है। आपने कभी सिया को नहीं डांटा जब वो गंदे तरीके से बात करती थी। आप खुद जब लड़ाई करते हो तो मुझे क्यों रोते हो? सिया बेटा, सानवी को माफ कर दो, वो भी बहुत परेशान है। नहीं श्रद्धा, इस बार माफी नहीं मिलेगी। हमारे साथ जो करे सो करे, पर मैं सिया को रोते हुए नहीं देख सकता। शुक्रिया कि आप मुझसे मिलने आए, वरना एक कमबख्त उम्मीद टूट जाती। वो घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल, थोड़ी परेशानी है बस इसीलिए। क्या हुआ? नहीं मतलब, अगर आप बताना चाहें तो क्या है कि अगर मैं कोई मदद कर पाऊं तो जरूर बताइएगा। नहीं नहीं, वो हमारी बहन का कोर्ट केस चल रहा था, उनकी बेटी की कस्टडी के लिए। ऐसे वक्त पे परिवार का साथ देना तो जरूरी होता है ना, इसीलिए आपसे भी बात नहीं हो पा रही थी। बहुत कम लड़कियां होती हैं आज के जमाने में जो अपने परिवार के बारे में सोचती हैं। वैसे बहुत खुश नसीब हूं मैं कि आप जैसे इंसान को मैं अपना दोस्त कह सकता हूँ, और मुझसे ज्यादा खुश नसीब तो आपके पति हैं कि जिनको इतनी अच्छी जीवन साथी मिली। वो मेनका बता रही थी आपके वाइफ के बारे में। बस आई विल डू इट, थैंक यू।
वैसे आपको मुझ पे दया तो नहीं आ रही ना मेरी अधूरी शादी के बारे में सुन के। देखिए अगर आप मुझ पे दया करेंगे तो आपकी मुस्कुराहट कम हो जाएगी और मेरे होते हुए ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए काम करते हैं आपके इस निखार को ना वापस लाया जाए। ये किस लिए? आप मुझसे मिलने आए उसके लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए और हमारी दोस्ती में एक कदम जो आपने बढ़ाया उसके लिए। छोटा सा तोहफा है कबूल कीजिए। राज जी ये तो बहुत महंगा होगा। आपकी दोस्ती के लिए किसी भी चीज का कोई मोल नहीं है मेरे लिए। आप बस इसके लिए हमें बुलाया था? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप हमारी कंपनी में मेरे साथ काम करें। इस पे सैलरी और पोजीशन लिख दिए मैंने। उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। ही इतनी बड़ी पोजीशन और इतनी ज्यादा सैलरी? आपको पता है ना राजी की हमने जीवन में कभी कोई जॉब नहीं की है। तो क्या हुआ? मेरे लिए अनुभव से ज्यादा हुनर मायने रखता है मेरी कंपनी की तरक्की के लिए। और इस सारी कैलकुलेशन के बाद मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही इंसान हैं। हम कैसे? हमारी एक बेटी है, परिवार है और वरुण जी क्या समझेंगे? आप आराम से वक्त लीजिए सोचने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको चार दीवारी में कैद नहीं रहना चाहिए, खुले आसमान में उड़ना चाहिए आपको। और वैसे भी आजादी ज्यादा सूट करती है आपके ऊपर, सोच लीजिए। कीर्ति उसके पैसे वाले होने से उसके चरित्र का पता चले ना चले लेकिन नजरों को परखा जा सकता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। और तुम उसके साथ हंस हंस के नाच रही थी। अभय सिया ठीक है ना? वो सो गई। ये यूनिफॉर्म सिया का है? हाँ। इसके ऊपर वो आर्मी वाला जैकेट नहीं है क्या? मतलब आजकल सानवी का तो कोई भरोसा नहीं है ना, कहीं सिया को नुकसान ना पहुंचा दे। अभय ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। गुस्सा उसका देखा तुमने? दिन वो दिन बढ़ता जा रहा है। बदतमीजियों की तो कोई सीमा ही नहीं रही है उसकी। आज सिया की फैमिली फोटो फाड़ दी, कल क्या भरोसा उसके साथ मारपीट शुरू कर दे। जब सिया जिद करती थी ना तो तुम यहाँ उसे अनुशासन सिखाने आ गए, पर जब बात सानवी की आती है ना तो तुम एकदम चुप हो। पूरे परिवार को, यहाँ तक कि सिया को भी मजबूर कर रही हो सहने के लिए। अरे खैर छोड़ो यार, तुम्हें कौन सा मेरी भाषा समझ में आती है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना ही चाहती हो ना तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दूं, जो कि सानवी है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो वक्त दूर नहीं है जब स्कूल से भी कंप्लेन आने शुरू हो जाएगी। सानवी के अच्छे बच्ची होने के दिन खत्म हो गया,
पापा रानी प्लीज सानवी आज अपने स्कूल में अच्छे से रहे। अभय ने जो कुछ भी कहा है ना वो बात सच साबित नहीं होनी चाहिए। प्लीज माता रानी भगवान स्कूल से फोन हेलो क्या आप मुझे इंजेक्शन लगाओगे ठीक हो? सांडी बेटा ऐसे जिद मत करो मुझे नहीं रहना जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ना जैसा आपने मेरी मम्मा के साथ किया था उन्हें भी दर्द दिया अब मुझे भी अब दर्द दोगे इंजेक्शन लगाकर आप इन्हें ये दवाइयाँ दीजिए मैं अभी आती हूँ अगर ये ऐसा ही करती रही तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग